students. I am Tanushree ma'am. Today, I am going to tell you Wednesday's story. So, are you ready to watch? Let's start. आज की कहानी का टाइटल है The Lion and the Slave. यानी एक शेर और एक दास. एक समय की बात है. एक दास श्रमिक था. उसकी जिंदगी किसी जानवर से भी बदतर थी. उसे हर रोज कड़ी मेहनत करना पड़ता था. एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इस जिंदगी को छोड़के दूर चला जाऊं. अगले ही दिन उसने वैसा ही किया. रात के वक्त वो अपने कैद खाने से भाग निकला और भागते भागते वो जंगल की ओर चला गया. ये जंगल बहुत ही घना और गहरा था. ये अकेला उस जंगल में रात में भटक रहा था कि तभी अचानक उसने अपनी तरफ एक शेर को आता हुआ देखा. उसने सोचा, हे ईश्वर, मैं तो उस नर्क से बच गया, लेकिन अब लगता है ये शेर मुझे जरूर खा जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसने देखा कि ये शेर रो रहा है. उसने देखा कि इस शेर को चोट आई है, इसीलिए वो शेर एक जगह बैठकर कराह रहा था. इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस शेर की मदद करूं. लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि ये शेर है, कहीं उसे ये बाद में खा ना जाए. फिर भी उसने अपने दिल की बात सुनी और उस शेर को बचाने की कोशिश की. उसने सोचा कि उसे इस बात की तसल्ली रहेगी कि कम से कम मरने से पहले उसने एक अच्छा काम जरूर किया था. वो उस शेर के पास गया और उसके पंजे से उस कील को निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर वहां से दूर खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि वो शेर आए और उसे खा जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो शेर वहां से उठा और वापस जंगल की ओर चला गया. ये देखकर उस श्रमिक को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन ऐसा ही हो रहा था. उस शेर ने जाते वक्त एक बार उस श्रमिक को मुड़ कर देखा, मानो कह रहा है शुक्रिया. अब ये श्रमिक अकेला ही उस जंगल में भटक रहा था. इतने में उस श्रमिक का जो मालिक था, उसे इस बात की खबर मिल गई थी कि उस श्रमिक ने उसके कैद से भागने की कोशिश की है. ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो गया. उसने तुरंत अपने सेवकों को वहां बुलाया और कहा, जाओ उस श्रमिक को वापस लेकर आओ. ऐसा ही हुआ. ये श्रमिक उस जंगल में गए और उस श्रमिक को ढूंढकर वापस लेकर आए. वापस लाने के समय इन्होंने इस श्रमिक को बहुत मारा भी. मालिक ने जब उस श्रमिक को वापस देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और वो उसे पनिश करना चाहता था. इसलिए उसने एक नायाब उपाय सोचा. उसने कहा कि जाओ इसे शेर के पिंजरे में डाल दो. जब वो शेर को भूख लगेगी तब वो इस श्रमिक को खा जाएगा. ऐसा ही हुआ. उस श्रमिक को शेर के पिंजरे में डाल दिया गया. इस श्रमिक को लगा अब इसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन वो वहां भी हैरान रह गया. उस शेर ने उसे खाया नहीं,
बल्कि अपनी जगह से उठा और श्रमिक के पास आया और श्रमिक को जहां जहां चोट लगी थी वहां वहां उसने चाटा। ये देखकर श्रमिक को समझ आया कि अरे ये तो वही शेर है जिसकी मदद मैंने की थी, इसीलिए शायद इस शेर ने मेरी भी मदद की। उसने उस शेर को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक श्रमिक और एक शेर की। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो मदद वापस आ जाएगी। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी कहानी। आई होप यू एंजॉयड इट। वेरी सून आई विल कम विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी विद ए गुड मोरल। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।